अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, शानदार किचन में आपका स्वागत है। आज मैं आपके सामने चाइनीज़ मटन क्यूब्स की रेसिपी पेश करूंगा। शानदार किचन को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए हुए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मैं हर रोज़ बेहतरीन टिप्स के साथ तरह तरह की रेसिपीज़ यहाँ लेकर आता हूँ। आइए देखते हैं चाइनीज़ मटन क्यूब्स को किस तरह बनाया जाता है। इसके इंग्रेडिएंट्स जान लेते हैं। मटन 300 ग्राम्स, रेड चिली फ्लेक्स 1 टीस्पून, हसबे ज़ायक़ा नमक, लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, काली मिर्च पाउडर 1/2 टीस्पून, विनीगर 1 टीस्पून, टोमेटो सॉस 1 टीस्पून, रेड चिली सॉस 1 टीस्पून, सोया सॉस 1 टीस्पून, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टीस्पून। प्रेशर कुकर में गोश्त डालें। अपने हिसाब का नमक, 1/2 टीस्पून काली मिर्च शामिल करें और मिक्स करें। अब इसमें 1/2 कप पानी ऐड करें और कुकर को लिड से कवर करें। तीन विजिल होने पर इसे ओपन करें। ये देखिए, गोश्त गल चुका है और पानी भी सूख गया है। पैन गर्म होने पर इसमें 1 टेबलस्पून ऑयल डालें। और बॉईल किया हुआ मटन इसमें शामिल करें। एक टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें डालें और 1 मिनट तक इसे फ्राई करें। 1 टीस्पून विनीगर, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स, 1 टीस्पून रेड चिली सॉस, 1 टीस्पून सोया सॉस और 1 टीस्पून टोमेटो सॉस शामिल करें और मिक्स करें। थ्री मिनट्स तक इसे इसी तरह सॉर्ट करते हुए फ्राई करें। थ्री मिनट्स हो चुके हैं, अब स्टोव ऑफ करें। ये रहा दोस्तों चाइनीज़ मटन क्यूब्स। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो शानदार किचन को सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट्स में अपनी फीडबैक दें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।